students, this is our English class. Today we will learn spellings. Spellings dikhenge hum is video mein. Kis letter ki? H letter. Letter H. H for kya hota hai? Hand or horse. Dekhiye, H for hand, horse. To hum in dono ki spelling sikhenge. Ki hand ki kya spelling hoti hai aur horse ki kya spelling hoti hai. Isse pehle wale videos mein humne आगे के लेटर्स की स्पेलिंग्स लर्न कर ली है, तो अब आज मैं आपको एच फॉर हैंड और हॉर्स की स्पेलिंग्स लर्न कर रही हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैंड, एच ई एन, एच ई एन हैंड। हैंड की क्या स्पेलिंग है? एच ई एन हैंड। देखिए एक बार और देखते हैं हम लोग, एच ई एन, एच ई एन हैंड। बार बार मेरे साथ बोलिए, एच ई एन हैंड। एक बार और, एच ई एन, एच ई एन हैंड। आपको लर्न हो गई हैंड की स्पेलिंग। क्या है हैंड की स्पेलिंग? एच ई एन हैंड। अब हम दूसरी स्पेलिंग लेते हैं, एच फॉर हॉर्स। देखिए, एच ओ आर एस ई, एच ओ आर एस ई हॉर्स। हॉर्स में घोड़ा। हैंड का मतलब होती है मुर्गी। Horse, H O R S E, horse. एक बार और स्पेलिंग देखते हैं हम, H O R S E, H O R S E, horse. H for horse. H O R S E, H O R S E, horse. अब देखिए हैंड, एच फॉर हैंड एंड हॉर्स, दो स्पेलिंग से एच फॉर। तो हम लोग पहले क्या ऐलान करेंगे, हैंड एच ई एन, एच फॉर हैंड इसकी स्पेलिंग है एच ई एन, एच ई एन, एच ई एन हैंड। अब नेक्स्ट जो है वो है हॉर्स। कौन सी स्पेलिंग है हॉर्स की स्पेलिंग? तो एच फॉर हॉर्स, एच ओ आर एस ई, एच ओ आर एस ई, एच ओ आर एस ई। इसी तरीके से हम लोग दोनों स्पेलिंग को लर्न करेंगे, एच फॉर हैंड देन एच फॉर हॉर्स। ये दोनों स्पेलिंग मैंने आपको लिखकर बता दी है, ये देखिए। इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है और 10-10 टाइम्स रिवाइज करना है, तो आपको इजीली ये स्पेलिंग्स याद हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।